कंडीशन दी सिनजेनेसिस आपके कोर्स की फैमिली सिनजेनेसियस एंथर फ्यूज फिलामेंट रिमेन फ्री सिनजेनेसिस एज इन केस ऑफ कंपोजिटी एस्टरेसी द कंपोजिटी एस्टरेसी दे आर शोइंग सिनजेनेसियस कंडीशन गेटिंग अ नॉट यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस ओके इसमें 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 कंपेरेटिव जस्ट देयर इज नीड टू मेक अ फ्लो चार्ट कि इसका 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 ऐसे क्वेश्चन याद होगा आपको क्लियर है नॉट लाइक द नेक्स्ट कंडीशन इज द सिनएंड्रस सिनएंड्रस आपके कोर्स की फैमिली कुकुरबिटेसी सिनएंड्रस व्हेन स्टैमेन देयर एंथर एंड फ्लामेंट दे ऑल फ्यूज विद देयर एंटायर लेंथ ठीक सिनएंड्रस कंडीशन है तो सिनएंड्रस कंडीशन यू कैन सी इन केसेस ऑफ कुकुरबिटेसी सिनएंड्रस मिल जाएगा वहां डन और नॉट ऐसे याद रखना है आपको ओके आज हमने कहा दिस इज द फ्यूज कंडीशन इफ दे आर फ्री If they are free from each other, that condition is called polyandrous. Polyandrous. तो बाकी जो बच्चे होंगे वो polyandrous है आप गौर करो हम लोगों ने बात कर ली है आपके monoadelphous की तो एक मालवीसी निपट गया diadelphous में आपके leguminosi यानी दो हो गए polyadelphous वालों कोर्स में नहीं था syngeneous यानी आपके compositive family तो तीन हो गए और आपके syn आपके synandrous condition यानी cucurbitaceae तो ये चार तो यहाँ से निपट गए तो चार हो गए आपके फ्यूज में और चार हो गए फ्री में ठीक चार फोर जो फैमिलीज हैं दे हैविंग कोहेसिव स्टैमिन एंड फोर फैमिलीज जो हैं दे हैविंग पॉलीएंड्रस कंडीशन यानी फ्री तो रिमेन फ्री कौन बचे आपके लिलिएसी मस्टर्ड यानी ब्रैसिकेसी बात के लिए तो आपके लिलिएसी फैमिली है मस्टर्ड रेडिस यानी ब्रैसिकेसी फैमिली है सोलनेसी फैमिली ठीक एंड पोएसी फैमिली बात क्लियर यानी लिलिएसी ब्रैसिकेसी सोलनेसी एंड पोएसी यानी ग्रैमिनी चार फैमिली जो हैं दे आर शोइंग पॉलीएंड्रस कंडीशन पॉलीएंड्रस कंडीशन देयर स्टैमिन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर पॉलीएंड्रस डन और नॉट चलिए नेक्स्ट बात पर आ रहे हैं हम इसकी गाइनोसियम गाइनोसियम को समझे गाइनोसियम समझे एज आई टोल्ड बेटा गाइनोसियम कंडीशंस वी डिस्कस अबाउट गाइनोसियम में क्या पढ़ना है गाइनोसियम 1, 2, 3 यानी दे कैन बी मोनोकार्पलरी बायकार्पलरी ट्राइकार्पलरी और आपके पेंटाकार्पलरी पॉलीकार्पलरी जितना आपके कोर्स की फैमिली की बात हो रही है तो ट्राइकार्पलरी पेंटाकार्पलरी लाइदर वी विल डिस्कस ओके वन बाय वन वी आर टॉकिंग सबसे पहले बात हुई आपके मोनोकार्पलरी यानी कि गाइनोसियम जो है हैविंग ओनली वन कार्पल मोनोकार्पलरी तो मोनोकार्पलरी के एग्जांपल की बात कर लो तो एक है आपका लेग्यूमिनेसी एंड अदर इज पोएसी यानी ग्रैमिनी तो लेग्यूमिनेसी एंड पोएसी दे आर मोनोकार्पलरी यानी गाइनोसियम विद अ सिंगल कार्पेल मोनोकार्पलरी चलिए आपके दो कोर्स दो फैमिली में पड़ गई मोनोकार्पलरी कौन लेग्यूमिनेसी एंड आपका एंदरवन तो पहला इज लेग्यूमिनेसी और एंदरवन इज देयर आपके ग्रैमिनी यानी पोएसी ये हो गए मोनोकार्पलरी ठीक है एंडर इज देयर बायकार्पलरी बात करते हैं बायकार्पलरी बायकार्पलरी की अगर फैमिली की बात कर लें तो क्रूसीफेरी क्रूसीफेरी आपके कोर्स की फैमिली है सोलनेसी कंपोजिटी ठीक तो क्रूसीफेरी सोलनेसी एंड कंपोजिटी तीन फैमिली यहाँ से निपट गई ठीक दो फैमिली हो गई बाय मोनोकार्पलरी ठीक दो फैमिली हो गई यू नो ग्रैमिनी जो है वो मोनो से ट्राइकार्पलरी तक जा सकती है मोनोकार्पलरी और ट्राइकार्पलरी हम मोनो की बात की तो पहले मोनो में ट्राई में भी बात कर लेंगे तो मोनोकार्पलरी में हो गया लेग्यूमिनेसी एंड पोएसी बायकार्पलरी में आ जाएगा आपका कौन क्रूसीफेरी सोलनेसी एंड कंपोजिटी दे आर बायकार्पलरी लाइक द ट्राइकार्पलरी कंडीशन आर दे आर अगर मैं ट्राइकार्पलरी की बात कर लूँ तो आपके पोएसी बात किया ना कौन पोएसी पोएसी भी मेरे का पोएसी इसमें भी आएगा मोनो में और इसमें भी आ सकता है तो पोएसी हो जाएगा कुकुरबिटेसी एंड लिलिएसी तो देखिए पोएसी एंड लिलिएसी की बात कर ले तो इनिशियली आई टोल्ड यू कि पोएसी लिलिएसी दे आर ट्राइमेरस तीन वहां से याद हो जाएगा दे आर ट्राइमेरस दे आर हैविंग द गाइनोसियम 3 लिलिएसी आल्सो तो पोएसी एंड लिलिएसी 3 तो आपके ट्राइकार्पलरी है और एक और कौन जोड़ दिया आपने कुकुरबिटेसी ठीक है ट्राइकार्पलरी टेट्रा आपके में था नहीं बाकी कौन बचा पेंटाकार्पलरी मालवेसी ठीक तो मालवेसी जो है वो पेंटाकार्पलरी ओवरी दैट कैन शो मालवेसी कैसा है पेंटाकार्पलरी क्लियर नॉर जी ठीक है ये तो कंडीशन ये हो गई है अब बात आती है फ्लोरल फॉर्मूला में गाइनोसियम में कौन कौन सुपीरियर इंफीरियर और हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर मीन्स हाइपोगाइनस है ना एपीगाइनस और पेरीगाइनस कंडीशन ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है
ठीक है। चलिए अब इसमें भी आप समझें, कोर्स में आपके कोर्स की जो फैमिलियां हैं आप समझें, आप उनको याद रखो कि आपके कोर्स की सारी फैमिली कैसी है, सुपीरियर ओवरी विद सुपीरियर ओवरी एक्सेप्ट कंपोजिटी एंड कुकुरबिटेसी, सारी फैमिलियां कैसी हैं, सुपीरियर ओवरी माने ऐसे अंडरलाइन कर दिया। ओनली किसको छोड़ना है हमें, कंपोजिटी को एंड कुकुरबिटेसी को, क्यों कंपोजिटी फैमिली एंड कुकुरबिटेसी फैमिली दे हैविंग इनफीरियर ओवरी, बात क्लियर, सिर्फ उनमें इनफीरियर ओवरी है, बाकी सब कैसे हैं विद सुपीरियर ओवरी, डन और नॉट जी। तो ऑल फैमिलीज आर सुपीरियर, कोर्स की आठों फैमिली हमने मान लिया सुपीरियर है एक्सेप्ट टू कौन, कंपोजिटी एंड कुकुरबिटेसी, दे आर इनफीरियर, क्लियर और नॉट जी। इनफीरियर ओवरी, इनफीरियर ओवरी यानी एपिगाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी मीन्स हाइपोगाइनस फ्लावर, ऑल दिस टर्मिनोलॉजी आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक, देन दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर, वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर, क्लियर और नॉट बेटा। चलिए एक तो ये ध्यान रहा, पेरीगाइनस ओवरी आपके कोर्स की फैमिली नहीं है, पीच प्लम एंड रोज, बट ऑप्शन में यू विल गेट पीच प्लम एंड रोज, दे आर पेरीगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, पेरीगाइनस पीच प्लम एंड रोज पेरीगाइनस कंडीशन, डन और नॉट जी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर। अब यही ओवरीज को आप जरा दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको डायग्राम वाइज, यहां देखें, देख दिस डायग्राम्स ऑलरेडी बी डिस्कस बिफोर बेटा, ठीक। अगर मैं बात कर लूं डायग्राम्स की, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओवरी ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, टाइप्स ऑफ ओवरी ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, मतलब वी विल डिस्कस अबाउट एपिगाइनस हाइपोगाइनस पेरीगाइनस कंडीशन, सुपीरियर इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर कंडीशन, हम इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है नॉर्जी। चलिए वन बाय वन अगर मैं डिस्कस कर लूँ, सबसे पहले बात कर रहा हूँ एपिगाइनस, डायग्राम देखते जाए, एपिगाइनस की कंडीशन अगर हम देखें तो एपिगाइनस यानी कि जो फ्लोरल पार्ट्स भी डिस्कस कंडीशंस बिफोर, यानी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं दे सीम्स टू अपीयर फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ओवरी, तो ओवरी जो हो गई है एपिगाइनस, गाइनस के ऊपर से निकल रहे हैं, इसलिए ओवरी छुप गई है, हिडन हो गई है, दैट्स व्हाई ओवरी को बोलते हैं इनफीरियर ओवरी, तो ओवरी इज इनफीरियर, फ्लावर इज एपिगाइनस, एपिगाइनस एज आई टोल्ड यू इनफीरियर ओवरी, ठीक। आपके कोर्स की मैक्सिमम ओवरी कैसी है, सुपीरियर, ओनली आपके कंपोजिटी एंड कुकुरबिटेसी की बात हुई हमारी जो इन्फीरियर है, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ इसमें, तो कंपोजिटी एंड कुकुरबिटेसी तो है ही, कंपोजिटी एंड कुकुरबिटेसी इन दो को तो हम ले लेंगे, साथ में किसको रख लें आप इन्फीरियर में, गुआवा एप्पल, तो गुआवा एंड एप्पल इन दो को और जोड़ लो आप, गुआवा एंड एप्पल, बात क्लियर, तो गुआवा एप्पल दे आर एडिशनल वन, तो गुआवा हो गया एप्पल हो गया कंपोजिटी एंड कुकुरबिटेसी, क्लियर और नॉट, दे विल शो इन्फीरियर ओवरी, डन और नॉट, डायग्राम क्लियर बेटा। लाइक अगर मैं दूसरी बात कर लूँ हाइपोगाइनस, मींस टू से ऑल द फ्लोरल पार्ट्स दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, सो जो ओवरी है इट कैन एक्सपोज देमसेल्व्स क्लियरली, एक्सपोज देमसेल्व्स यानी सुपीरियर, सुपीरियर कंडीशन, तो जो सुपीरियर हमने क्या ओवरी कैसी हो गई सुपीरियर, फ्लावर कैसा हो गया हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी आपकी जो फैमिली सारी फैमिली हमने कहा इसी के असल मस्टर्ड, मिस्टर से अगर मैं बात कर लूँ तो मस्टर्ड है दैट इज ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली, चाइना रोज है तो दैट इज ऑफ मालवेसी फैमिली, ब्रिंजल वगैरह है ठीक दैट इज ऑफ आपके सोलानेसी फैमिली, मैंगो जो है एनाकार्डेसी फैमिली है आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैंने कहा सुपीरियर ओवरी आपके सारी हैं, क्लियर है, वो सारी कैसी हैं सुपीरियर, चाहे वो आपके लिलियसी हो ग्रैमनी हो ठीक है आपके लेग्यूमिनेसी हो ये सब आपके सुपीरियर ओवरी है, डन और नॉट जी। लाइक देन मैंने बात की पेरीगाइनस, पेरीगाइनस देखे इन केस ऑफ पेरीगाइनस हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर व्हेन द फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम द इन बिटवीन ठीक फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द ओवरी दिस सीम्स टू अपीयर पेरीगाइनस, ओके ये सारे टर्म वी डिस्कस बिफोर, so there is a need to watch that previous video, okay, easily you can understand all the terminology, clear, perigynous as I told peach plum and rose they all are perigynous condition, clear or not, so beta dekho we discussed the terminology, what were the term we will use in individual family now, nahi hum unki baat karne ja rahe hain, clear na ki hame reality mein how to study families, फैमिलीज पढ़ना देखिए हमने कहा ना फैमिलीज अलग तरीके से पढ़ी जाती हैं, ये नहीं आप एक एक फैमिलीज का फ्लो आपका हैबिट हैबिटेट रूट शूट लीफ फ्लावर
फिर रिलीफ क्या, फिलो टैक्सी पढ़ रहे हैं, अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, सब ईच एंड एवरी थिंग आई वी डिस्कस। मैंने रूट्स पढ़ाए हैं, रूट्स के पूरे मॉडिफिकेशंस भी डिस्कस, टाइप्स ऑफ रूट भी डिस्कस, लिप्स पढ़े हैं, लिप्स के वैनेशंस है, लिप्स की फ्लो टैक्सी भी डिस्कस, तो शूट पढ़ाया है, शूट के डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड, सारे मॉडिफिकेशन वहाँ पड़े हुए हैं। तो रूट, शूट, लीफ भी पढ़ी हैं, फ्लावर पढ़ाए हैं, फ्लावर के कैलेक्स करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, सिमेट्री, ईच एंड एवरी थिंग वी डिस्कस फ्रॉम देयर आल्सो। देन उनके अंदर की बात की थी हमने, एंड्रोसियम गायनोसियम के अंदर की बात की, उनके कोएजन एडिशन की बात की है, उनके अरेंजमेंट की बात की है, सीड्स पढ़ाए हैं, एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस सीड्स पढ़े हैं, फ्रूट्स पढ़े थे, सिंपल फ्रूट्स याद है ना, तो सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, कंपोजिट फ्रूट्स, फाल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स, वी डिस्कस दे आर एडिबल पार्ट्स, सब कुछ पढ़ाया हमने, क्लियर कि कहाँ पर क्या पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड। सो दिस इज द हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, उस पर हमें फोकस करना है, क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बनवाई भाई एक एक फैमिली अब आराम से पढ़ेंगे यार, ठीक। सबसे पहले फैमिली की बात कर लूँ मैं तो ब्रैसिकेसी, ब्रैसिकेसी फैमिली देखिए आप, तो सबसे पहले ब्रैसिकेसी फैमिली, ब्रैसिकेसी मीन्स क्रूसीफेरी फैमिली, ब्रैसिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली की अगर मैं बात कर लूँ बेटा, ठीक। तो अभी हमने बात की ब्रैसिकेसी के मेंबर्स के, उनके फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इनकी बात करके पूरी फैमिली समझेंगे, इनके सारे सारे करेक्टर की कोई हमें नीड नहीं है, ठीक, बिल्कुल नीड नहीं है, सारे करेक्टर ऑलरेडी भी डिस्कस बिफोर, ओके। डायरेक्टली आप इसका फ्लोरल फार्मूला देखें वहाँ पर और फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला दोनों देख के चलेंगे, समझ के चलेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। मैं इसके फ्लोरल फार्मूला की बात कर लूँ, फ्लोरल फार्मूला आप देखें, सबसे पहले बात थी एक्टिनोमॉर्फिक, दे आर एक्टिनोमॉर्फिक, हम फिर से कंपेरिजन पढ़ेंगे आठों के साथ, दे आर एक्टिनोमॉर्फिक बाय अदर, जो हमने फैमिली पढ़ाई है जाइगोमॉर्फिक, कौन, दे आर एक्टिनोमॉर्फिक, अदर्स में जाइगोमॉर्फिक में हमने बात की किसकी, ग्रैमिनी याद है ना, तो ग्रैमिनी हमारी जाइगोमॉर्फिक, देन और नॉट लेग्यूमिनेसी की जाइगोमॉर्फिक, रे फ्लोरेट ऑफ आपके कंपोजिटी वो जाइगोमॉर्फिक है, तो अपने आप बाकी याद रहेंगे कि दे ऑल आर एक्टिनोमॉर्फिक, क्लियर है कि नहीं। ओके, नाउ वी आर वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द फैमिलीज, दे आर टर्मोलॉजीज, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस और नॉट, ठीक, ऑल दैट थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, व्हाट टू रिमेंबर और नॉट टू रिमेंबर सबकी बात हो गई है। सो फर्स्ट फैमिली वी आर टॉकिंग दैट इज ब्रैसिकेसी और क्रूसीफेरी, ब्रैसिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम आप देखें, उसी के बेसिस में सारी फैमिली डिस्कस हो जाती है, देयर इज अ नीड टू रिमेंबर देयर फ्लोरल फार्मूला ऑनली, सब याद हो जाएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, क्या आपका कैसा है फ्लोरल फार्मूला में, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, यू कैन सी ये एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि आप समझ गए क्यों एक्टिनोमॉर्फिक, मैंने कहा था आपके कोर्स की ऑल फैमिलीज आर एक्टिनोमॉर्फिक एक्सेप्ट लेग्यूमिनेसी, पोएसी एंड रे फ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी, लेग्यूमिनेसी, पोएसी एंड रे फ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी दे आर जाइगोमॉर्फिक, बाकी एक्टिनोमॉर्फिक, बार 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 याद करिए, याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेक्सुअलिटी की, सेक्सुअलिटी दिस इज बाइसेक्सुअल, फ्लोरल डायग्राम आप देखते जाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो, तो फ्लोरल फॉर्मूला दिस इज अ बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल क्यों, यूनिसेक्सुअल फैमिली कौन है आपके में, यूनिसेक्सुअलिटी में ओनली कुकुरबिटेसी एंड रे फ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी एंड रे फ्लोरेट ऑफ कंपोजिट दे आर यूनिसेक्सुअल, बाकी सारी कैसी है बाइसेक्सुअल, नो नीड टू रिमेंबर अ लॉट, बात क्लियर। फिर बात की इनकी सिमेट्री की, कैलेक्स करला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलेक्स की बात करी बेटा, हमने कहा था एक ऐसी फैमिली है टेट्रामेरस, टेट्रामेरस तो कैलेक्स कैसे होगा, 2+2 4 2+2 4 हो गए आपके कैलेक्स, एंड कोरोला भी कैसे हैं 4 या उसका मल्टीपल इसलिए लिखा जाता है 4×2, बात क्लियर, कैसा है आपका कोरोला 4 और समटाइम ऐसे लिखा जाता है 4 और 4 का मल्टीपल, ठीक है, यानी कोरोला कैसे हैं आपके, तो कैलेक्स 4 2+2 और कोरोला 4, ठीक है बेटा। यू नो क्रूसीफर टाइप ऑफ लिखा जाता है, क्रूसीफर टाइप पेटल्स, क्रूसीफर टाइप पेटल्स, 4 पेटल्स आर देयर प्रेजेंट इन अ क्रॉस फॉर्म अपोजिट टू ईच अदर लाइक दिस, 4 पेटल्स इस तरह से यहां, इसे क्रिस क्रॉस बोला जाता है, इस तरह से क्रॉस फॉर्म में, क्रॉस फॉर्म, तो बोलते हैं कि आपके क्रूसीफर टाइप, क्रूसीफर टाइप 4 पेटल्स अरेंज इन अ क्रॉस फॉर्म मैनर, ओके, एक क्रूसीफर टाइप गड़ेगा नॉट, चलिए तो इसको ध्यान रखेंगे हम। तो कैलेक्स, कोरोला, ना बात करते हैं हम किसके, एंड्रोसियम की, एंड्रोसियम एज यू नो बेटा क्रूसीफेरी फैमिली है, टेट्रा डायनमस कंडीशन, टेट्रा डायनमस 2+4 टेट्रा डाय